गाइज वेट वेट, अगर आपने इसके पहले वाली पार्ट की वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बिजनेस मॉडल, केस स्टडी और हिस्ट्री के ऊपर बात की कि शॉपिफाई कैसे कैसे परमिशन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये फ्यूचर वाली वीडियो बेसिकली दो पार्ट में वीडियो मैंने बांटी थी, क्योंकि वीडियो थोड़ी जो लेंथ है वीडियो की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाकर पहले उसको देख लो, उसके बाद इसको देखना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने वीडियो के चौथे पार्ट, जहां पे हम देख रहे थे भाई कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल की जो बिजनेसेस होती है, या फिर भाई ये शॉपिफाई, ये फ्यूचर में कैसा रह सकता है इनका बिजनेसेस। तो पहले क्या होता था कि जब नई नई ये आई थी शॉपिफाई मार्केट के अंदर, तो क्या हुआ था कि जो भी लोग ऑनलाइन शॉप नहीं बनाते थे, वो भाई अपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग करते थे वो डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से मंगाते थे और यहाँ पे लिस्टिंग करते थे। क्योंकि क्या होता था कि अली एक्सप्रेस के अंदर आपको काफी सस्ते दामों में जो भी प्रोडक्ट के जो होलसेल रेट में आपको मिल जाया करता था, और वो जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते थे वो भाई 2x, 3x, कई लोग तो भाई 10x, 10x तक की लिस्टिंग करके, उस प्राइस की लिस्टिंग करके उसको बेचा करते थे। लेकिन भाई अभी जो क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, और भाई अब आ चुका है गूगल लेंस। तो भाई कोई भी अगर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट एक बार उन्होंने यूज किया और फिर उन्होंने गूगल लेंस यूज किया, तो उस प्रोडक्ट की गूगल लेंस करके उसका प्रोडक्ट पूरा हिस्ट्री निकल सकता है, कहाँ पे वो किस रेट में मिल सकता है, उसका पूरा खुलासा हो सकता है। तो एक बार अगर कंज्यूमर को ये पता चलेगा कि भाई आप धोखाधड़ी कर रहे हो, तो वो कस्टमर तो भाई आपके पास कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता है। और वहीं पे हम एक और चीज देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो शॉपिफाई के अंदर जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते थे वो काफी अच्छे मार्जिन पे ऑपरेट करते थे, तो वो काफी अच्छा पैसा बना पाते थे। और वहीं अभी क्या हो चुका है भाई कि टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व होने के कारण, या फिर मार्केट में जो कॉम्पिटिशन बढ़ा है वो भाई अनाप शनाप बढ़ा है, और इसी कारण क्या हो गया कि जो लोग जो पहले प्रॉफिट जो बना पाते थे काफी ज्यादा मार्जिन रख करके, वो अब नहीं हो पाता है। मतलब कि जो अब भाई $1 में आप बेच रहे हो तो उसको भाई $1.2 या $1.5 तक लोग बेच दिया करते हैं, तो मार्केट जो है पूरा रेड ओशियन बन चुका है। मतलब धक्का मुक्की लोग कर रहे हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो मैंने पीछे बताया था एग्जांपल एक पॉटर का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक हैंडक्राफ्ट अपना खुद का कोई प्रोडक्ट होगा जो कि मार्केट में कुछ नया लेकर आओ। जैसे हैंडक्राफ्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, या फिर जो पॉटर वगैरह जो फ्लास्क वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे आप उसको बेच सकते हो। वो आपका कहीं कोई भी साइट से आप उन्होंने लाया हुआ नहीं आपका, तो किसी को पता नहीं होगा कि उस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या होगी। तो वहां पे आप अच्छा खासा मार्जिन भी रख सकते हो, या फिर आप उसको कुछ और भी इनोवेशन के साथ ला सकते हो। जैसे मैं बात करूँ तो अगर आपका कोई फ्लावर पॉट है या कोई फ्लास्क है जिसको हम थर्मस वगैरह बोलते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि उस पर कुछ नाम वगैरह लिख सकते हो हैंडक्राफ्ट, मतलब उस पर कुछ आप क्रिएटिविटी लाओ, ठीक है, उस क्रिएटिविटी लाओ तो लोगों को वो चीज यूनिक जो चीज लगेगी आपकी वो पसंद आएगी। और भाई अमेरिका के अंदर यही होता है, अगर उनको कोई चीज पसंद आ गया तो उनको चुलबुली मच जाता है कि भाई मुझे ये लेना है। वो कहीं भी देखते प्राइस वगैरह वो कुछ कंपेयर वगैरह नहीं करते हैं। हम इंडियंस तो प्राइस को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन भाई यूएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनको भाई जो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो भाई लेंगे ही लेंगे। तो भाई अब जब अपना प्रोडक्ट आप यूनिक बनाते हो तो आप गूगल एड चलाओ, फेसबुक एड चलाओ, इंस्टाग्राम एड चलाओ, मतलब जिस तरह के भी एड चला सकते हो, ट्रैफिक लेके आओ और ट्रैफिक लाके भाई अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे और अभी टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो भाई पहले के टाइम से जो कंपटीशन जो बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और मार्जिन भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। क्योंकि हम बात करें कि तो कस्टमर की जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है जो कि आप एड रन पे खर्च करते हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आजकल। तो ये मिला जुला के देखा जाए तो विन विन सिचुएशन काफ़ी कम हो पाता है लोगों के लिए, तो यहीं पर लोग गिवअप कर देते हैं। तो भाई इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने स्टोर बनाया, एड्स रन किया और लोग आ गए। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे, आपकी साइट को देखेंगे, अपने कुछ कस्टमर्स वगैरह रिव्यू होंगे तो उसके बेसिस पे भी लोग लेंगे, तो टाइम लगता है इसमें थोड़ा। और मैंने एक चीज़ और क्या नोटिस करी कि कोई भी जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करते हैं, तो एक बार उनका प्रोडक्ट जो है खराब चल गया अगर किसी कस्टमर के पास, तो वह फिर उनका जो रिप्लाई वगैरह कुछ ईमेल वगैरह की रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज को वो खुद ही खराब कर देते हैं। और फिर बाद में बोलेंगे भाई कि शॉपिफाई ने हमारा जो चैनल है वो प्रमोट नहीं किया, हमारे स्टोर को प्रमोट नहीं किया। तो भाई इससे शॉपिफाई की क्या गलती है, आप खुद ही सर्विसेज वगैरह पे अपनी ध्यान नहीं दोगे। सर्विसेज पे काम करना बहुत ही मस्ट है दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग करवाना आपको एक बिजनेसमैन नहीं कहलाता है, आपको सर्विसेज पे अपनी बहुत अच्छी तरीके से काम करनी होगी। प्रोडक्ट तो भाई कोई भी बेच देता है, लेकिन जो सर्विसेज देता है लोग उसी को जानते हैं। तो भाई पूरा मिला जुला के अगर हम बात करें कि ड्रॉप शिपिंग या फिर शॉपिफाई का फ्यूचर क्या हो सकता है, तो मिला जुला के मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन फ्यूचर में ये जरूर अच्छा हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अब चूंकि जो लोग सर्विसेज देंगे, टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे, उनके लिए तो भाई अच्छा सा भी जरूर होगा। अब भाई जो फकैती करने आएंगे उनके लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट बिजनेस मॉडल, कंप्लीट केस स्टडी शॉपिफाई के ऊपर। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंसाइटफुल लगी है, तो आप इसको लाइक करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में जो भाई बेल आइकन मिलेगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे फ्यूचर में जो भी वीडियोज मैं डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं उसकी केस स्टडी के ऊपर डिस्कस करूँ या बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कस करूँ,
तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं इस पर वीडियो तो बनाऊंगा ही, साथ साथ आपको शॉर्ट आउट भी करूंगा कि भाई इन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए बोला था, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा हेल्पफुल तो साबित नहीं होगी, लेकिन लोग आपको भी जरूर जानेंगे, या अगर आपका कोई चैनल होगा तो लोग उसके ऊपर भी जरूर आ सकते हैं। तो आप इसका भी ध्यान जरूर रखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, साथ साथ इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फैलाइए भी, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं या अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।